दस्तावेजों की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में फिर टली अयोध्या विवाद पर सुनवाई, 14 मार्च को अगली सुनवाई। दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट ने दिया 2 हफ्ते का वक्त, मुख्य पक्षों की सुनवाई के बाद बाकियों की बात। राम मंदिर पर एक बार फिर आपसी सुलह की कोशिश में जुटे श्री रविशंकर, सुन्नी वक्फ बोर्ड समेत कई पक्षों से मुलाकात। कोर्ट से इतर विवाद सुलझने की संभावनाओं को महंत धर्मदास ने किया खारिज, बोले रामलला की जमीन का नहीं होगा बंटवारा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या विवाद पर जल्द जताई फैसले की उम्मीद, बोले दिवाली तक पूरा हो जाएगा सपना। सोनिया ने कहा देश में सुनवाई दे रही है बदलाव की आहट, 2004 की तरह इस बार भी बदले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, पहले हो सकते हैं चुनाव। संसदीय दल की बैठक में सोनिया का केंद्र पर हमला, कहा मोदी सरकार में मैक्सिमम पब्लिसिटी मिनिमम गवर्नेंस। सोनिया ने कहा ये सरकार अधिकतम मार्केटिंग न्यूनतम डिलीवरी के तौर पर काम कर रही है। संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस नेताओं से बोली सोनिया, राहुल अब मेरे भी बॉस हैं। संसद में बजट पर चर्चा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बढ़ सकती है मुसीबत, जबरन जमीन कब्जा करने के आरोप में दानापुर में दर्ज हुआ केस। गिरिराज के बहाने तेजस्वी ने नीतीश पर कसा तंज, पूछा क्या बीजेपी से तोड़ेंगे गठबंधन। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लालू यादव की बेटी और दामाद को समन, 5 मार्च को पेशी का आदेश। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी, बेनामी संपत्ति मामले को लेकर इस्तीफे की मांग। मेट्रो किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ आयसा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के फरीदकोट में सरकार से नाराज किसानों का धरना प्रदर्शन, हाईवे पर 2 घंटे जाम। मध्य प्रदेश के मांडला में अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन, शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के महाराजगंज में डीएम दफ्तर में 2 गुटों के बीच झड़प, एक युवक की जमकर पिटाई। पीएम के पकौड़े वाले बयान के विरोध में मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन, गिरगांव चौपाटी पर समर्थकों संघ हिरासत में लिए गए संजय निरुपम। यूपी में समाजवादी पार्टी का भी पकौड़ा आंदोलन जारी, गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के घर के बाहर पकौड़े का स्टॉल। सोनीपत में नगर निगम में शामिल करने का 26 गांवों ने लिया विरोध, शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर विरोध जताया। एमपी के खरगोन में कंटेनर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी आने तक जलकर खाक। बिहार के गया में मिर्जा गालिब कॉलेज के पास पेट्रोल पंप की टंकी में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर काबू। मथुरा में बारातियों को ले जा रही बस की ट्रैक्टर से भिड़ंत, हादसे में 4। कासगंज हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, सलीम समेत अब 3 भाई सलाखों के पीछे। बुलंदशहर में आईटीआई परीक्षा की पेपर लीक, प्रिंसिपल टीचर को हिरासत में लिया गया। कन्नौज में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे की दबंगई, दुकानदार को हथियार दिखाकर धमकाया। निधन के 31 साल बाद इलाहाबाद नगर निगम ने लेखिका महादेवी वर्मा को भेजा हाउस टैक्स नोटिस, 48,000 बकाया। महोबा में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 9 राहगीरों को कुचला, हादसे में 2 की मौत। हाथरस में एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 1 शख्स की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में एक गांव में तेंदुए का आतंक, 2 ग्रामीण घायल। कानपुर देहात में बीजेपी नेता की धमकी से परेशान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स का इस्तीफा, सीएमओ की मौजूदगी में धमकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंड रोके जाने से नाराज छात्रों का हंगामा, वीसी के खिलाफ नारेबाजी। मेरठ में महिला कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर लगाया रेप का आरोप, महिला थाने में दर्ज कराई शिकायत। बलिया में एक निजी स्कूल में टीचर की पिटाई से 4थी कक्षा की छात्रा की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गाजियाबाद में नकली टमेटो सॉस बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, महिला हिरासत में। मुजफ्फरनगर में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से 65 छात्र नहीं दे सके बोर्ड की परीक्षा, नाराज परिजनों का हंगामा। बांदा में शादी के बाद विदाई से पहले परीक्षा देने पहुंची दुल्हन, पेपर खत्म होने तक इंतजार करते रहे बारह। बाराबंकी में एक महिला की बेरहमी से हत्या, बाद में लाश को टुकड़ों में काटकर जलाया। अमरोहा में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 सुपारी किलर, हथियार बरामद। महाराजगंज में तहसील दफ्तर में तैनात कर्मचारी का घूस लेते वीडियो वायरल, अधिकारियों ने कही जांच की बात। यूपी बोर्ड की सख्ती के कारण इस बार 5,90,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा, सचिव ने दी जानकारी।
भगवा रंग में रंगा लखनऊ का गोमती नगर थाना, कैसरबाग कोतवाली पर भी चढ़ा भगवा रंग। बिहार में अपराधी बेलगाम, सासाराम में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े वकील को मारी गोली। पटना में हवाला कारोबार का भंडाफोड़, 25 लाख कैश के साथ दो गिरफ्तार। छपरा में मां बनने के 6 घंटे बाद नवजात को लेकर इंटर की परीक्षा देने पहुंची युवती, परीक्षा केंद्र पर हर कोई हैरान। पटना के पालीगंज में पिछले महीने हुई बुजुर्ग महिला की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नक्सली भी शामिल। गया में तलाशी के दौरान बोलेरो से 68 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। झारखंड के गिरिडीह में एक गांव में अवैध देशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपी भागने में कामयाब। राजस्थान के अलवर में पुलिस से मुठभेड़ में 40,000 का इनामी बदमाश ढेर, लूट के कई मामलों में तलाश। यूपी के चंदौली में एक महिला ने 4 साल की बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूद कर जान दी, घरेलू विवाद में खुदकुशी। मध्य प्रदेश के सतना में कॉलेज प्रबंधन से 3G मोबाइल हैंडसेट मिलने से नाराज छात्राओं का हंगामा, 4G मोबाइल देने की मांग। पानीपत में 2 स्कूल बसों में आमने सामने की टक्कर, हादसे में कई बच्चे घायल। फरीदाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, 3 अपराधी मौके से भागने में कामयाब। आखिरकार जागी हरियाणा सरकार, शहीद कपिल कैप्टन कुंडू के घर पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। हिसार में टोल प्लाजा पर अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला का हंगामा, टोल कर्मियों को दी खुलेआम धमकी। गुरदासपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 क्विंटल पनीर के साथ 3 गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बस में लगी आग, ड्राइवर की झुलसकर मौत। भरतपुर में बैंक लूटने की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। जयपुर एयरपोर्ट पर छापा, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त। पाली में एक गांव में पागल सीआर का आतंक, 3 महिलाओं समेत 9 लोगों पर बोला हमला, सभी अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बूंदी में नगर निगम के स्कूलों में लगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, छात्राओं की परेशानी खत्म। राजस्थान के अलवर में पति पत्नी की गला रेत कर हत्या, डबल मर्डर में इलाके में हड़कंप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टेम्पो स्टैंड पर बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में सामने आया अंधविश्वास का घिनौना चेहरा, तांत्रिक पर नाबालिग से रेप का आरोप। चेन्नई में एक गैंगस्टर और उसके दोस्तों को बर्थडे मनाना पड़ा महंगा, एक ही जगह से 67 नामी अपराधी गिरफ्तार। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर करीब 3 किलो सोना के साथ धरा गया तस्कर, पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के संत कबीर नगर में एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में से 2.5 लाख किलो बदमाशों की फायरिंग में 2 कर्मचारी घायल। एमपी के श्योपुर में आदिवासी बहुल इलाके में पंचायत का तालिबानी चेहरा, महिला को सिर पर चप्पल रखकर गांव का चक्कर लगाने को कहा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पड़ोसी निकला दरिंदा, नाबालिग को बहला फुसलाकर बनाया हवस का शिकार। दिल्ली के मंडावली में नकाबपोश चोरों ने मोबाइल शोरूम को बनाया निशाना, 10 मिनट में पूरा दुकान खाली कर गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार के बीच कड़कनाथ मुर्गे पर छिड़ी जंग, जीआई टैग का दोनों राज्यों ने ठोका दावा। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में पुलिस की बैरिकेडिंग ने ली युवक की जान, गले में तार फंसने से मौत। पुलिस ने 2 बैरिकेड के बीच लगा रखा था तार, हादसे के बाद 4 कांस्टेबल सस्पेंड, एसएचओ लाइन हाजिर। दिल्ली के रनहौला इलाके में नाबालिग से रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा पर उठे सवाल, फतेहपुर बेरी इलाके में 80 साल की महिला की दबंगों ने पिटाई। श्रीनगर में अस्पताल में हुए आतंकी हमले में 4 संदिग्ध गिरफ्तार, अस्पताल के सीसीटीवी से मिला सुराग। 10 राज्यों में अलग अलग नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाला पृथ्वीलाल शेट्टी मुंबई से गिरफ्तार, 3 साल में रकम दोगुनी करने का देता था झांसा। ओडिशा के बोलांगीर में एक शख्स ने पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या की, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के बाराबंकी में बेकाबू ट्रक ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। राजस्थान के कोटा में एक दुकान में सेंधमारी के बाद बैंक में चोरी की कोशिश, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के भिंड में रेत माफियाओं का आतंक, रेत से लदे ट्रक ने पुलिसकर्मी को कुचला, मौके पर मौत। दिल्ली के मधुविहार में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला, रिश्ते में दोनों भाइयों पर आरोप।
यूपी के हमीरपुर में शोधों से तंग आकर लड़की ने की आत्मदाह की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अकोला में डीएम दफ्तर में तैनात महिला अधिकारी ने सीनियर क्लर्क पर लगाया छेड़खानी का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जंगल में गए मजदूरों पर भालू ने किया हमला, एक की मौत, दो घायल। मुरादाबाद में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं, सिगरेट पीते पकड़े जाने पर कई लोगों का कटा चला। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में सामूहिक विवाह का आयोजन, एक ही छत के नीचे 131 जोड़ों की रचाई शादी। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार किले में इंटरनेशनल लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।